हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एस्पिरेंट्स, मैं प्रीवियस एग्ज़ाम में भारत की जनगणना की वेटेज देखते हुए आज मैं भारत की जनगणना पर वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद होंगे। जनगणना पर आधारित सभी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो अब आगे जनगणना के करते हैं हम क्वेश्चन फाइनल है, जो कि इस प्रकार है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना का विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया है? भाई, हमारे 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनमें से कौन सी सूची में जनगणना के बारे में दिया गया है? संघ सूची के अंतर्गत किया गया है। और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है? भाई, जनगणना का कार्य वो संघ सरकार को दिया गया है, और यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 246 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? 1972 में। हमारे भाई, जनगणना जो है शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी, 1972 में की गई थी, लेकिन अगर 10 के जनगणना आ जाती है तो वो 1881 में शुरू की गई थी, जो कि लॉर्ड रिपन ने की थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से पहली बार जनगणना कब करवाई गई थी? 1881 में करवाई गई थी। ये है 10 के जनगणना है, 1881 में शुरू हुई थी, लेकिन पहली जनगणना 1972 में भी थी। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। अब अगला क्वेश्चन है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? यह 1931 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत जनगणना का कार्य किसके निर्देश के अनुसार होता है? यह भारत के जनगणना आयुक्त के निर्देश के अनुसार पर हो सकता है, या फिर गृह मंत्रालय के दिन मापन करते, जो मतलब दोनों का एक ही अर्थ होता है। और अगला क्वेश्चन है, महाभियोजक वर्ष किसे कहते हैं? भारत मतलब 1911 और 21 की जो जनगणना हुई थी, 1921 में जाकर हुई थी, उसमें जो जन्म वृद्धि दर थी वो सबसे न्यूनतम रही थी, इसके लिए इसे महाविभाजन वर्ष कहते हैं। और लघु विभाजन वर्ष किसे कहते हैं? 1951 के जनगणना को लघु विभाजन वर्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यह 1951 में हुई थी। और जो प्रथम जनगणना हुई थी, इसमें कितने सवाल पूछे गए थे? 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? यह 15वीं जनगणना थी। और अगर यह आ जाता है क्वेश्चन, भाई 2011 में जो जनगणना हुई थी वो स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, तो इसका आंसर 7वीं जनगणना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे? 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्र मौली। भारत में विश्व के केवल कितना प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? भाई, भारत कितने क्षेत्रफल को घिरा हुआ है? 2.4% क्षेत्रफल को घिरा हुआ है। और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.5 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 17.5%। भाई, वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में जनसंख्या रहती है। और 2011 की जनगणना 10 के जन्म वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%, जो कि 18.14 करोड़ होता है। और वार्षिक जन्म वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितना है? 62.31 करोड़ है। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58.47 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें 16.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ ये मैं। महाराष्ट्र में 9.42% है, बिहार की 8.07% है। ये भाई, अगला क्वेश्चन है, अब न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम है, फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम किसमें? सिक्किम में। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। भाई, तीन तीन यही इसलिए करवा दिए, क्योंकि
कभी कभार लास्ट वाला ऑप्शन में न देकर, केरल न देकर मिजोरम दे देता है, तो उसमें मिजोरम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? ठाणे महाराष्ट्र में है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? ये दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। और अधिक जिलों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। भाई सबसे ज़्यादा जिले किस में हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 74% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी जिसमें? 82.14% है। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरल है, जिसमें 93.9% है। फिर उसके बाद मिजोरम है, जिसमें 91.6% है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? इसमें महिला में भी केरल आगे है और पुरुष में भी केरल आगे है। केरल में कितना है? 96% है। और मिजोरम में कितना है? 93.7% है, जो कि पुरुष साक्षरता दर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन है? केरल है और मिजोरम है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन से है? बिहार है इसमें भी, और अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसमें 52.7% है। फिर बिहार है, जिसमें 53.3% है। फिर झारखंड है, जिसमें 56.2% है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जिला आ जाए तो रहेगा सरचिप, जो कि मिजोरम में है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आ जाए तो फिर इसमें कौन सा आ जाएगा? अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और भारत की जनसंख्या का तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। और सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन है? बिहार है, जिसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, जिसमें 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत एरिया होगा, इसमें 128 व्यक्ति रहते हैं। और न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जिला आ जाए, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा उत्तर पूर्व दिल्ली हो जाएगा। भारत में लिंग अनुपात कितना है? 943 है, जो कि मतलब कई 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। और शिशु लिंग अनुपात कितना है? 919 है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, जिसमें 1084 है। फिर तमिलनाडु, जिसमें 996 है। फिर आंध्र प्रदेश में, जिसमें 993 है। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, जिसमें 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला आ जाए तो जो आ जाए माहे पुदुचेरी में, जिसमें 1176 है, मतलब 1176 महिलाएं पुरुषों पर। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला आ जाए तो कोई है दमन, जिसमें 533 है। थैंक यू देखने के लिए। बाकी हमारे चैनल से और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछिए। थैंक यू।